तो दोस्तों, जब भी दुनिया में दीन दुखियों और बेबस लोगों की सेवा की बात आती है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस दर्द को समझ पाते हैं और सेवा के लिए आगे आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों में इतना फंसा हुआ है कि शायद ही उसे अन्य किसी का ध्यान आता हो। बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरों की सहायता के लिए आगे आते हैं। तो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने धन संपदा के लालच का विरोध किया, सांसारिक सुखों को ठुकरा दिया और लगभग 45 वर्षों तक भारत देश के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की कठिन और असहनीय स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भावनगर गुजरात में जन्मे अमृतलाल ठक्कर जी की, जिन्हें ठक्कर बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठक्कर बप्पा का जन्म 29 नवंबर 1869 में हुआ। उनकी माता का नाम मूलीबाई और पिता का नाम विठल दास ठक्कर था। उनके पिताजी एक व्यवसायी थे। बचपन से ही ठक्कर बप्पा पढ़ाई में काफी अच्छे थे और उनका यह मानना था कि देश की रक्षा के लिए शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी सेना और पुलिस की है। 1890 में पुणे से सिविल इंजीनियरिंग उत्तीर्ण करने के कुछ वर्ष पश्चात वे सांगली में मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। जीवन में इतनी सफलता हासिल करने के बाद एक ऐसी घटना से उनका सामना हुआ जिसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन बेसहारा निर्धन लोगों को सौंप दिया। बात तब की है जब अमृतलाल ठक्कर जी गुजरात के पोरबंदर शहर में आए हुए थे। 1895 से 1900 का वह दौर था। उस समय भीषण अकाल पड़ा। इसी दौरान उन्होंने अकाल पीड़ित एक मरणासन अवस्था में पड़े मजदूर पति पत्नी को अपने ही भूख प्यास से व्याकुल 3 बच्चों को मिट्टी में गाड़ते हुए देखा। यह देख उनकी रूह काम गई। उन्होंने फौरन तीनों बच्चों को मिट्टी से बाहर निकाला और उनकी देखभाल का पूरा जिम्मा स्वयं के कंधों पर लिया और उस दिन से उन्होंने मानो मानव सेवा का संकल्प ही ले लिया हो। उन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए न केवल धन एकत्रित किया बल्कि एक भोजनालय भी खोला जहां प्रतिदिन 600 से 700 लोग भोजन करते थे। ठक्कर बप्पा प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा पाठ करके सीधे अकाल पीड़ितों के लिए बनाए गए भोजनालय में पहुंच जाते और सब लोगों के भोजन कर लेने के बाद ही स्वयं भोजन करते। वे गांव-गांव जाकर कंबल तथा वस्त्रों का वितरण करते थे। सन 1932 में एक आदिवासी गांव में 22 मील पैदल चलकर वे इसलिए पहुंचे क्योंकि वहां के आदिवासी लोग अपनी सारी जमा पूंजी शराब पीने में बर्बाद कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों के साथ मिलकर शराब एवं अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और लोगों को नशा मुक्त करवाने में सहायता करी। भील सेवा संघ का कार्य करते हुए ठक्कर बप्पा ने हर बालक आश्रम के सामने जमा कूड़ा करकट को स्वयं साफ किया। यह देख अन्य लोग भी उनके साथ आए। ठक्कर बप्पा जी का कहना था कि सेवा कार्य करने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। 1915 से 1916 में ठक्कर बप्पा ने सफाई कर्मियों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करी और उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कई जगहों पर स्कूल भी खोले। सन 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अर्थात सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे गिरफ्तार भी हुए और उन्होंने 6 महीने जेल में काटे। 1947 से 44 के अकाल के दौरान देश के कई गांवों में इतना भीषण अकाल पड़ा कि शवों को जलाने के लिए भी लोग नहीं बचे थे। तब भारत माँ के इस महान सपूत ने वहां जाकर रात रात भर जागकर सेवा कार्य किया। अक्टूबर 1946 में नोआखली में जब मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया गया तब बप्पा ने वहां जाकर भी पीड़ितों की सहायता करी। नोआखली बंगाल में मुसलमानों द्वारा कई हिंदुओं के मकानों को जला दिया गया, सामूहिक बलात्कार हुए, अपहरण, लूटपाट और बड़ी संख्या में बलपूर्वक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कराया गया। जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना किया उन्हें मार दिया गया या तो फिर वे किसी तरह वहां से बचकर भागने में सफल हुए। नोआखली नरसंहार का वह दिन इतिहास में हिंदुओं के लिए काला दिन बनकर रह गया, जिस दिन हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं का खून बहाया गया। ठक्कर बप्पा जी ने हरिजन सेवक संघ के साथ मिलकर नोआखली में सेवा कार्य किया तथा वहां शांति स्थापित करने की कोशिश करी। स्वतंत्रता के बाद ठक्कर बप्पा संविधान सभा के लिए भी चुने गए। वे कुछ समय तक संसद के सदस्य भी रहे और तब भी उन्होंने अपना सेवा कार्य जारी रखा। उनकी सेवा भावना का स्मरण करके ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जब जब निस्वार्थ सेवकों की याद आएगी तब ठक्कर बप्पा की मूर्ति आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। 20 जनवरी 1951 को ठक्कर बप्पा इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए, लेकिन मानव सेवा का उदाहरण जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो सदा हमें याद रहेगा। भारत के महान सपूत समाज सेवी ठक्कर बप्पा जी को कोटि कोटि नमन।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एवरी स्टफ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।